आगे बढ़ाया है और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरे पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। हमारी भारतीय संस्कृति एक बात कहती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई अच्छा योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लोहा मना सकता है। प्रतिभा केवल एक फील्ड में नहीं हो सकती, जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला सकता है। वह कला है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स है, अपना साहित्य का है, साइंस का है, या जीवन के किसी भी फील्ड में वह इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और ऐसे ही आप पांचों के पांचों बच्चों ने यह कार्य अपने अपने फील्ड में करने का किया है। हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर उसने अगर सकारात्मक निर्णय लिया तो वह महानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो निश्चित उस अवसर का लाभ लेकर के महानता को प्राप्त करेगा। लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो वही व्यक्ति जो एक बार अच्छी दिशा में चल रहा है, अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसकी दिशा नकारात्मक है तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा और महानता को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। महानता को प्राप्त करने का जो हमारा रास्ता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और वो सकारात्मक दृष्टिकोण एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे आएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन पांचों बच्चों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। श्री व्योम आहूजा, श्री चिराग भंसाली, मोहम्मद सादात, मोहम्मद रफी, कुंवर दिव्यांश सिंह, इन पांचों ने प्रदेश का नाम अपने अपने फील्ड में कुछ नया करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये पॉजिटिव ऊर्जा निरंतर इसी प्रकार से समाज के अन्य हमारे नवयुवकों को, छात्रों को प्रेरित करेगी और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ें। याद रखना, कोई भी कार्य हम पुरस्कार प्राप्त करने के लिहाज से न करें, हमारा कार्य सही दिशा में आगे बढ़ने का है। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मैं कर्म इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं मुझे कोई फल प्राप्त हो, नहीं, जीवन में दोनों कर्म, किसी कर्म को करने के लिए व्यक्ति पहले से संकल्प भी लेता है कि साहब मुझे ये फल प्राप्त होगा, लेकिन सकाम कर्म से किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति के लिए फलीभूत नहीं होता है। निष्काम कर्म से मैं प्रयास करूंगा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा, सफलता सफलता की चिंता के बगैर प्रयास करूंगा, जो व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करता है उसे सफलता भी प्राप्त होती है और वह समाज के लिए फिर अनुकरणीय भी बन पाता है। इसलिए
अनुकरणीय बनने के लिए आवश्यक है कि उस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ें। आप पांचों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। पांचों को मैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार के माताजी, पिताजी और आपके परिवार के अन्य जो सदस्यगण हैं, इन सबको भी मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आप लोग अन्य हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। एक बार सर आप पांचों बच्चों के साथ अकेले हो जाए, फिर से आओ। पांचों बच्चे इधर लखनऊ से सीधी